हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों का ये क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ कि मेरा कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया थी। इसके पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, जो नया है मेरा नाम है उज्जवल, मैं करेंटली नीट एस्पिरेंट हूँ और कोटा में रह के एलएम के थ्रू अपना पढ़ाई कम्प्लीट कर रहा हूँ। मेरा जो क्लासेस है वो संज्ञान में लगती है। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक मोर देन इनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चंस के पहले मैं एक चीज बोल दूं कि ये क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा कुछ सही नहीं लगा, लेकिन हम बहुत लोग आपसे पूछे, आप लोगों में से बहुत लोग ये क्वेश्चंस पूछे मेरे को इंस्टाग्राम पे और मैसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेरा सिलेबस एलएम का सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, क्या क्या कंप्लीट हो गया। तो सबको इंडिविजुअल आंसर देना इज इम्पॉसिबल, तो सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिससे आपका भी हेल्प हो जाएगा। तो पहला चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये सिलेबस देख के आप खुद का अपना शेड्यूल डिसाइड मत कीजिए, बिकॉज आप जो अपना शेड्यूल डिसाइड कीजिए, खुद के प्लान, खुद के पोटेंशियल और खुद के टाइम टेबल, खुद के काम काज के अनुसार अपना शेड्यूल डिजाइन कीजिएगा। अब मानिए किसी इंडस्ट्री, किसी एकेडमी के, जैसे एलएन हो गया, आकाश, ये सब एकेडमीज का सिलेबस कंप्लीट कितना हुआ कितना नहीं, ये सब देख के अगर आप खुद का डिजाइन कर रहे हैं इफ, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। इससे आपको डीमोटिवेशन होगा और कुछ नहीं होगा। और बाय द वे, इस वीडियो बनाने के बाद वीडियो बनाने किसी को डीमोटिवेट करने का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि मेरे कितने सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरा जो बैच स्टार्ट हुआ था फेज फर्स्ट में, उसका एंड डेट भी आ गया जो इसी साल में, वो भी मैं आपको वीडियो क्लास में बता दूंगा। बैच मेरा कितना खत्म हो रहा है, टोटल कितना मतलब मंथ मेरा ये बैच चला और पूरा 11th का सिलेबस इसमें कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कंप्लीट हो चुका अभी तक। तो उसमें से फर्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी हम लोग का सबसे पहले कंप्लीट हो गया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हर एक चीज अच्छे से कंप्लीट हो चुका। आफ्टर दैट इनऑर्गेनिक हम लोग का कंप्लीट हो गया और फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट वो सब्जेक्ट बताता हूँ जो लास्ट अभी चल रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिजिक्स में हमारे दो लेक्चर लगते हैं, उसमें सारे दोनों लेक्चर में एक एक जो लास्ट टॉपिक चल रहा है वो एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद से फिजिक्स भी हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक। फिजिक्स में अगर बता दें कौन कौन से मेरे टॉपिक चल रहा है, फिजिक्स में मेरे एक तो थर्मल फिजिक्स चल रहा है और सेकेंड वेव थ्योरी, ये दो टॉपिक चल रहा है जो दो टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर बात करते हैं सबसे लंबा चौड़ा जो सिलेबस जो लास्ट तक चलने वाला है वो है बॉटनी का सिलेबस। बॉटनी जो एक मंथ पहले से हमारे एक नए टीचर आ गए हैं, इट्स मीन्स अब दो टीचर सिंगल एक बॉटनी को पढ़ाते हैं, ठीक। जो फर्स्ट टीचर है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट पढ़ाते हैं और जो सेकेंड टीचर है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट पढ़ाते हैं, ठीक। आफ्टर दैट इसके अलावा मेरे और चार इसमें चैप्टर जो अभी रिमेनिंग, तो बॉटनी में जो चार चैप्टर अभी अब आने वाला है वो है पहला प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस एंड आफ्टर दैट द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का मतलब हर एक टॉपिक में कुछ कुछ टॉपिक्स का कवर अप हो गया है, ठीक ना। तो आई थिंक इसका कोई स्पेसिफिक लेक्चर लगेगा मेरे कुछ उम्मीद नहीं, लेकिन हाँ स्पेसिफिक इसका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन टॉपिक के साथ साथ इसका बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेन दो चैप्टर्स बॉटनी में बच रहे हैं जो बहुत मतलब एक डेढ़ मंथ चले गए है, वो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद गाइज अगर ऑर्गेनिक का बात किया जाए तो ऑर्गेनिक में अभी तो रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है और उसके अलावा एक हाइड्रोकार्बन बचा है जो छोटा सा एक टॉपिक है, इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये सिलेबस ये एलएन के द्वारा कंप्लीट हुआ है, मीन्स एलएन के द्वारा, मैंने खुद से अभी मतलब खुद से हुआ है, लेकिन बहुत सारे अभी बैकलॉग से बहुत सारे पेंडिंग है, जो जैसे ये सिलेबस खत्म होगा तो फॉर्दर हम लोग को टाइम मिले 2 मंथ में, उसमें हम लोग सारे बैकलॉग्स और पेंडिंग वर्क्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये मत सोचने कि सारे हम लोग का मतलब 100% किसी स्टूडेंट का 100% नहीं हो रखा है, एलएन के वही टीचर पढ़ा दिए अपना हो गया है। ओके गाइस, तो ये पूरा मैं अपना विस्तार से आपको सिलेबस बता दिया। आफ्टर दैट मैं बता दूं कि मेरा बैच कब खत्म हो रहा है, तो मेरा ऑलरेडी बैच खत्म होने का डेट अनाउंस हो चुका है, वो है 18 दिसंबर। जी हाँ, 18 दिसंबर को मेरा बैच खत्म होने वाला है। हम लोग आई थिंक अप्रैल में लिए थे एडमिशन और दिसंबर आते आते हम लोग का बैच खत्म भी हो गया। तो इस चीज में शुरू से बोलते हैं एलएन बहुत फास्ट पढ़ाता है, और कोई गांव के स्कूल से इधर उधर से आए तो एलएन तो भाई कतई कैप्चर नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ अगर मेहनत करेगा डेफिनेटली हो जाएगा। सो गाइस, तो ये था आज का कुछ वीडियो, जो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर का कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं था। इसके अलावा गाइस दूसरा जो सबसे ज्यादा कमेंट आता है वो आता है कि स्टडी ब्लॉग्स कब आएगा। स्टडी ब्लॉग्स बहुत जल्दी आने वाला है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे को मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट संडे के बाद अगर आप देख रहे हैं तो आई थिंक आपको इधर स्क्रीन पे उसका
लगा दूंगा वीडियो का लिंक। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, टाटा बाय बाय। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ।